चाहे लोग वीवो को एक चाइनीज ब्रांड समझें एंड हंसें उस पे, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वीवो ही शायद एक ऐसी कंपनी है जो अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजी लेकर आती है अपने मिड रेंज कमर्शियल फोन्स में। अब पिछले साल वो इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आई थी अपने वीवो V11 Pro में, जो ओप्पो K1 को छोड़कर अब तक किसी और मिड रेंज फोन में आपको नहीं मिलता। और इसीलिए जब वीवो ने अपने वीवो V13 Pro जब वीवो V15 Pro की लॉन्च डेट रिलीज की, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा थी इस फोन से। एंड अगर हम वीवो V15 Pro की जितनी भी लीक्ड स्पेसिफिकेशंस आई हैं उन्हें देखें, तो आई कैन सेफली से कि वीवो ने एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे जाकर फीचर्स डाले हैं इस फोन में। एंड ये सारे फीचर्स इतने फ्यूचरिस्टिक हैं जो इस फोन को फीचर रिच नहीं बल्कि फ्यूचर रिच बनाते हैं। अब सबसे पहले ये बात तो कंफर्म्ड है कि इस फोन में आपको मिलेगा 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपको इसी साल वीवो नेक्स्ट 2 की फ्रंट स्क्रीन में भी देखने को मिला है। अब इस डिस्प्ले में आपको मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, और खास बात यह है कि आपको इस डिस्प्ले में कोई भी नॉच नहीं मिलती। एंड वीवो इस डिस्प्ले को कहती है हेलो फुल व्यू डिस्प्ले। एंड इसी डिस्प्ले के नीचे आपको सारे के सारे सेंसर्स मिलेंगे जो बाकी फोन्स में मिलते हैं आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा वीवो V11 Pro के फिंगरप्रिंट सेंसर से। अब रूमर्स ये हैं कि ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलेगा सिर्फ वीवो V15 Pro में, ना कि वीवो V15 में। अब वीवो नेक्स्ट 2 की तरह ही आपको एक पतली सी स्पीकर ग्रिल दिखती है डिस्प्ले के ऊपर, सो वीवो नेक्स्ट 1 की तरह आपको स्पीकर डिस्प्ले के नीचे नहीं दिया गया। पर हाँ, वीवो नेक्स्ट की ही तरह वीवो V15 Pro में आपको मिलेगा एक पॉपअप सेल्फी कैमरा विद स्लाइडिंग मैकेनिज्म, जो जब भी यूज पड़ने पर फोन के टॉप फ्रेम से स्लाइड करता हुआ ऊपर आ जाता है। एंड दैट इज वेरी कूल। एंड व्हाट्स एक्साइटिंग, इसकी ये सेल्फी कैमरा आता है 32 मेगापिक्सल का। अब कहा तो यही जा रहा है कि ये अब तक का बेस्ट सेल्फी कैमरा होगा किसी भी फोन में। पर रूमर्स तो ये भी आ रहे हैं कि इस कैमरा में यूज होगा सैमसंग का GD1 सेंसर। एंड अगर ऐसा होता है तो ये टेक्निकली एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, ना कि 32 मेगापिक्सल का। बट स्टिल ये देगा कमाल की डिटेलिंग और लो लाइट परफॉर्मेंस। एंड अब कैमरा की बात करी है तो वीवो V15 Pro में पीछे की तरफ आपको मिलेगा एक वर्टिकली अलाइंड ट्रिपल कैमरा सेटअप विद ड्यूल LED फ्लैश। अब इसके प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये होगा 48 मेगापिक्सल का विद सैमसंग GM1 सेंसर। एंड ये वही सेंसर है जो आपको Redmi Note 7 में भी देखने को मिलता है। अब सैमसंग का GM1 सेंसर टेक्निकली 12 मेगापिक्सल की इमेजेस शूट करता है, एंड डिजिटली इनहेंस करके इसका इमेज साइज 48 मेगापिक्सल किया जाता है। बट स्टिल दी इमेज डिटेलिंग एंड लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी इस कैमरा की, क्योंकि 4 पिक्सल्स को कंबाइन करके एक बड़ा 1.6 माइक्रोन्स का पिक्सल मिलता है इसमें आपको। अब रूमर्स तो यही है कि ये फोन आएगा विद 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। एंड आई रियली होप कि ये डेप्थ सेंसर वाला कैमरा ना होकर एक वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा हो। एंड रूमर्स ये है कि वीवो V15 Pro का तीसरा कैमरा होगा एक 3D TOF यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कैमरा, एंड ये कैमरा आपको वीवो नेक्स्ट 2 में भी देखने को मिलता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द कैमरास ऑफ दिस फोन, एंड आई रियली होप कि ये आए एक 3D कैमरा और एक वाइड एंगल लेंस वाले कैमरे के साथ इंस्टेड ऑफ ए डेप्थ सेंसर। एंड आप कौन से 3 कैमरा लेंसेज देखना चाहेंगे वीवो V15 Pro में, हमें जरूर बताइएगा इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। अब वीवो V15 Pro आएगा USB Type-C पोर्ट के साथ विद रैपिड चार्जिंग। एंड रूमर्स यही है कि इस फोन में आपको मिलेगी 3700mAh की बैटरी, जो कि बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि वीवो नेक्स्ट 2 में आपको मिलती है 3500mAh की बैटरी। ऑल्सो ये फोन आएगा ग्लॉस प्लास्टिक बैक के साथ विद अमेजिंग ग्रेडियंट डिजाइंस, जो ओप्पो और वीवो के फोन्स की पहचान है। वीवो V15 Pro आएगा 2 अलग अलग कलर ऑप्शंस में। पहला कलर ऑप्शन होगा ब्लू ग्रेडियंट का और दूसरा ऑप्शन होगा रेड एंड ब्लैक ग्रेडियंट का। एंड अब इंटरनल्स की बात करें तो ये फोन आएगा स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ। एंड ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फोन अपीयर किया है गीक बेंच वेबसाइट पर विद ए स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर। एंड इसके सिंगल कोर और मल्टीपल कोर्स के रॉ स्कोर्स काफी इंप्रेसिव है। एंड कहा यही जा रहा है कि ये फोन आएगा विद एड्रीनो 612 GPU, जो कंबाइंड विद द स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा बहुत ही शानदार मिड रेंज परफॉर्मेंस। अब वीवो V15 Pro आएगा विद 6 GB RAM एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज।
एंड इसमें आपको मिलेगा एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट विद टू सिम कार्ड स्लॉट्स एंड एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट एंड इट कम्स विद एंड्रॉइड 9.1 आउट ऑफ द बॉक्स। अब प्राइस की बात करें तो Vivo V15 Pro का प्राइस मेरे हिसाब से होगा अराउंड 28,000 to 29,000 रुपीज प्लस Vivo V11 Pro की तरह ही इसमें आपको HDFC बैंक कार्ड्स पर एडिशनल 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल सकता है। एंड एज Vivo V15 Pro एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फोन नहीं होगा तो मुझे इससे कम होते हुए प्राइजेस नहीं दिखते इस फोन के, पर हाँ हो सकता है कि आपको ऑनलाइन 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले ऑन एक्सचेंज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इन स्पेसिफिकेशंस के साथ इस फोन का प्राइस 30,000 रुपए से ऊपर जाता है तो ये फोन ज्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड आपके हिसाब से Vivo V15 Pro का प्राइस कितना रखना चाहिए Vivo को, हमें जरूर बताइएगा इन दी कमेंट्स बॉक्स बिलो। अब Samsung M30, Redmi Note 7 Pro और Oppo K1 से इस फोन के कंपटीशन की बात करें तो वो फोन आएंगे 16,000 to 17,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। सो अगर किसी का बजट ही उतना है तो वो लोग Samsung M30, Redmi Note 7 Pro या Oppo K1 में से कोई एक फोन लेंगे और Vivo V15 Pro पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। बट लाइक दी Vivo V11 Pro, ये फोन केटर करता है प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट को, यानी उन लोगों को जो 5,000 to 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं फॉर ए मिड रेंज फोन, पर चाहते हैं एक अच्छा दिखने वाला, अच्छे कैमरे वाला एंड फ्यूचरिस्टिक फीचर्स वाला फोन। सो मैं Vivo V15 Pro को तबाही तो नहीं कहूंगा, गिवन कि Samsung M30, Redmi Note 7 Pro और इवन Oppo K1 कमाल की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, पर अपने सेगमेंट में इट इज ए गुड फोन जिसमें प्रीमियम फ्यूचरिस्टिक फीचर्स कूट कूट के भरे हैं Vivo ने। एनीवेज, आप क्या सोचते हैं Vivo V15 Pro के बारे में? क्या आपको ये फोन इस प्राइस पे पसंद आया, या आपके हिसाब से Samsung M30 और Redmi Note 7 Pro ज्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं? हमें जरूर बताइएगा इन दी कमेंट्स बॉक्स बिलो। एंड इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आप जब भी हमारा एक वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे वीडियो के लिए व्यूज और हमारे चैनल के लिए सपोर्ट, हमें दोनों मिलता है। सो प्लीज डू शेयर अवर वीडियोज विद योर फ्रेंड्स ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले अपने मोबाइल्स पर मिले तो वो जो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसे प्लीज दबा दीजिए। एंड हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टेक केयर।